हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं एमनियोटिक फ्लूइड की। तो एमनियोटिक फ्लूइड में हम बात करेंगे पॉलीहाइड्रोमनियोस की, ओलिगोहाइड्रोमनियोस की, और उसके साथ साथ एमनियोटिक फ्लूइड के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी हम देखेंगे। तो ये देखिए, बताया गया कि ड्राइव्ड फ्रॉम फीटल यूरिन मेनली एंड फीटल लंग लिक्विड। तो ये बताया गया कि फीटल यूरिन से मेनली ड्राइव्ड होता है और फीटल लंग से भी ड्राइव होता है। तो ये बात हो गई, इसको थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं। तो देखिए, ये फीटल यूरिन से ड्राइव होता है आफ्टर 12 वीक ऑफ द प्रेगनेंसी, क्योंकि 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी में ही यूरिन फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। तो इससे पहले फीटल यूरिन से बनने का कोई सवाल ही नहीं है। और इससे पहले तो बनता किससे है, तो इससे पहले अगर बनता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, तो देखिए अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ मेटरनल प्लाज्मा थ्रू प्लासेंटा। तो प्लासेंटा के थ्रू मेटरनल प्लाज्मा के अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से एमनियोटिक फ्लूइड बनता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। और सेकेंड ट्राइमेस्टर में ये फीटल यूरिन से बनना स्टार्ट होता है, लेकिन इस टाइम पे भी किडनी प्रॉपर जनरेट नहीं हो पाती है। इसी वजह से इस टाइम पे भी जो सेकेंड ट्राइमेस्टर है आफ्टर 12 वीक, यहाँ पे भी जो मेनली बनता है वो स्किन से बनता है। तो स्किन है फीटल स्किन, अभी तक ये कैरेटिनाइज्ड नहीं होती है, इस वजह से फीटल स्किन से ये एमनियोटिक फ्लूइड का फॉर्मेशन होता है आफ्टर 12 वीक। लेकिन 22 टू 25 वीक के बीच में ये फीटल स्किन जो होती है ना, ये कैरेटिनाइज्ड हो जाती है, इस वजह से फिर यहां से एमनियोटिक फ्लूइड का फॉर्मेशन कम हो जाता है। तो इस टाइम पे अब मेजर रोल जो होता है, देखिए आफ्टर 20 वीक ये बनता है फीटल यूरिन से, और ओवरऑल हम बात करें तो फीटल यूरिन से ही बनता है। बस हमने यहाँ पे बता दिया कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मेनली मेटरनल प्लाज्मा से बनता है और सेकंड ट्राइमेस्टर में मेनली स्किन से, यानी 12th वीक के बाद अप टिल 20th वीक, और 20th वीक के बाद किडनी प्रॉपर फंक्शनल हो जाती है, तो अब मेनली यूरिन से बनता है। और ओवरऑल की बात करें तो ओवरऑल मेनली यूरिन से बनता है। तो ये चीज हो गई, और फीटल लंग से भी बनता है। और उसके बाद फिर ये खत्म कैसे होता है, निकलता कैसे है, देखिए क्लियर्ड बाय फीटल स्वॉलोइंग। तो फीटल स्वॉलोइंग से मेनली ये एब्जॉर्ब होता है, और इंट्रा मेम्ब्रेनस एब्जॉर्प्शन भी होता है। तो यहाँ पे देखिए इंट्रा मेम्ब्रेनस एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है, इससे भी ये क्लियर होता है। तो दो ये बताया गया, और उसके बाद फिर बताया जा रहा है कि पॉलीहाइड्रोमनियोस क्या है और ओलिगोहाइड्रोमनियोस क्या है। तो देखिए ये दोनों, पॉलीहाइड्रोमनियोस में क्या है कि जो नॉर्मल एमनियोटिक फ्लूइड की रेंज है उससे ज्यादा हो जाएगा, ओलिगोहाइड्रोमनियोस में उससे कम हो जाएगा। तो नॉर्मल की जो रेंज है उसमें हम देखें तो एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स में 24 तक ही होना चाहिए। ये नॉर्मल 5 टू 24 होता है सेंटीमीटर, ठीक है। और अगर ये 5 टू 24 सेंटीमीटर से ज्यादा हो रहा है, यानी 25 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा हो रहा है, तो इसको हम पॉलीहाइड्रोमनियोस बोलेंगे। या यही हम एसवीपी सिंगल वर्टिकल पॉकेट में देखें तो यहाँ पे 8 सेंटीमीटर से ज्यादा हो रहा है, क्योंकि इसमें 2 से लेके 8 तक ये नॉर्मल होता है, और 8 या 8 से ज्यादा हो रहा है तो इसको हम पॉलीहाइड्रोमनियोस बोलेंगे। या अगर हम वैसे क्वांटिटी में बात करें तो देखिए 2 लीटर से, ओवरऑल 2 लीटर से अगर ज्यादा हो रहा है तो इसको हम पॉलीहाइड्रोमनियोस बोलेंगे। तो ये हो गया पॉलीहाइड्रोमनियोस कब होता है, इसकी रेंज क्या है, ये हमने यहाँ पे बात कर ली। अब इसके बाद फिर कॉज की बात करें तो देखिए सबसे पहला कॉज बताया गया कि मे बी इडियोपैथिक। तो मोस्टली ये इडियोपैथिक होगा, और जब इडियोपैथिक होगा तो उस कंडीशन में ये माइल्ड होता है, बहुत ज्यादा सीवियर नहीं होता है। और बताया गया और एसोसिएटेड विद फीटल माल फॉर्मेशन, या फीटल माल फॉर्मेशन से एसोसिएटेड हो सकता है, जैसे देखिए एसोफेजियल या ड्यूडिनल एट्रेजिया या एनेंसेफेली। तो देखिए एसोफेजियल या ड्यूडिनल एट्रेजिया, एनेंसेफेली, इन दोनों कंडीशंस में जो ये सोलोइंग कैपेसिटी है फीटल की, ये खत्म हो जाती है। तो यही यहाँ पे बताया गया कि बोथ रिजल्ट इन इनेबिलिटी टू सोलो एमनियोटिक फ्लूइड, तो एमनियोटिक फ्लूइड सोलो नहीं कर पाएगा फीटस। और उसके बाद फिर बताया गया कि मेटरनल डायबिटीज की वजह से भी ऐसा होता है। तो जब मेटरनल डायबिटीज होगा तो मेटरनल हाइपरग्लाइसीमिया आपको देखने को मिलेगा, और जब मेटरनल हाइपरग्लाइसीमिया होगा तो यही ग्लूकोज जाएगा फीटस में भी, और फीटस में भी हाइपरग्लाइसीमिया देखने को मिलेगा, और हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से पॉलीयूरिया देखने को मिलेगा, ठीक है। तो पॉलीयूरिया जब होगा तो अपने आप पॉलीहाइड्रोमनियोस देखने को मिलेगा, और फीटल एनीमिया के कंडीशन में भी देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब फीटल एनीमिया होगा तो कार्डियक आउटपुट जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, तो हाई कार्डियक आउटपुट हमको देखने को मिलेगा फीटल एनीमिया के कंडीशन में, जिसकी वजह से रीनल आउटपुट भी इंक्रीज हो जाएगा, और उसी वजह से पॉलीहाइड्रोमनियोस देखने को मिलेगा। और साथ साथ मल्टीफीटल गेस्टेशन, तो अगर मल्टीफीटल गेस्टेशन है तो हमको मालूम है कि जब दो प्रोड्यूस करेंगे तो इस कंडीशन में भी पॉलीहाइड्रोमनियोस देखने को मिलेगा। तो ये हो गया पॉलीहाइड्रोमनियोस। अब ओलिगोहाइड्रोमनियोस की बात करें तो देखिए ओलिगोहाइड्रोमनियोस में जो रेंज हमने बताई थी उससे कम, यानी देखिए एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स ये 5 सेंटीमीटर से कम हो जाएगा, या इसी तरीके से सिंगल वर्टिकल पॉकेट इंडेक्स जो है वो 2 सेंटीमीटर से कम हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मल जो हमने बताया था वो 5 से लेकर 24 तक बताया था, इससे कम हो गया, और इसमें नॉर्मल 2 से लेकर 8 तक हमने बताया था, तो 2 या 2 से कम हो गया। और या अगर वॉल्यूम की बात करें तो देखिए 200 ml से कम हो जाएगा तो हम ओलिगोहाइड्रोमनियोस बोलेंगे। अब इसमें ये तो हो गया, उसके बाद फिर देखिए कॉज बताया गया कि एसोसिएटेड विद प्लासेंटल इनसफिशिएंसी बाइलेटरल रीनल एजेनेसिस पोस्टीरियर यूरेथ्रल वॉल्व्स इन मेल, दिस रिजल्ट्स इन इनएबिलिटी टू एक्सक्रीट यूरिन।
तो ये जितनी चीजें बताई गई हैं इन सब में यूरिन एक्सक्रीट करने की कैपेसिटी नहीं हो पाती है। तो ये हुआ। अब इसमें देखिए प्लासेंटल इनसफिशिएंसी में क्या होता है कि ब्लड प्रेशर वगैरह हाई हो जाता है, जैसे प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन है, तो इन सब कंडीशन में प्लासेंटा में जब ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा तो प्रॉपर प्लासेंटा में ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से यहाँ प्रॉपर गैसेस एक्सचेंज नहीं हो पाएगा और फीटल वॉल्यूम क्या होगा ये कम हो जाएगा। जब फीटल वॉल्यूम कम होगा तो उसकी वजह से रीनल आउटपुट कम हो जाएगा, और जब रीनल आउटपुट कम हो जाएगा तो ऑलिगोहाइड्रोमियोस देखने को मिलेगा, या इसी तरीके से इसी फीटल इंसफिशिएंसी में ब्रेन स्पेरिंग इफेक्ट देखने को मिलता है। तो ब्रेन स्पेरिंग इफेक्ट क्या है कि जितनी भी ऑक्सीजनेटेड मटेरियल यहां से होती है ये सारा ब्लड ब्रेन को ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए इस तरफ चला जाता है अपर बॉडी पार्ट में, और लोअर में कम जाता है। तो जब अपर में जाएगा तो इसी को हम बोलते हैं ब्रेन स्पेरिंग इफेक्ट, क्योंकि ज्यादा ऑक्सीजन यहाँ जरूरत है तो यहाँ पे ज्यादा ऑक्सीजन जाने के लिए इधर सप्लाई कम हो जाएगी, ब्रेन स्पेरिंग इफेक्ट देखने को मिला, किडनी की तरफ सप्लाई कम हुई, इसकी वजह से रीनल आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा, तो भी ऑलिगोहाइड्रोमियोस देखने को मिलेगा। और बाइलेटरल रीनल एजेनेसिस, तो इसमें तो देखने को मिलेगा ही कि जब किडनी का फॉर्मेशन ही नहीं हो रहा है तो ऐसा देखने को मिलेगा। और पोस्टीरियर यूरेथ्रल वॉल्स, तो पोस्टीरियर यूरेथ्रल वॉल्स डेवलपमेंट अगर हो रहा है तो उसमें भी किडनी तो फंक्शन करेगी, लेकिन जब किडनी का जो यूरिन आउटपुट है वो यहाँ आके ब्लैडर में नहीं आ पाएगा, और जब ब्लैडर में नहीं आएगा तो एक्सक्रीट कैसे होगा, तो इस वजह से इसमें भी ऑलिगोहाइड्रोमियोस देखने को मिलेगा। और इसी पोस्टीरियर यूरेथ्रल वॉल में ही अगर हम देखें अल्ट्रासाउंड में बात करें तो यहाँ पे की होल साइन हमको देखने को मिलता है। ठीक है, तो की होल साइन पोस्टीरियर यूरेथ्रल वॉल का ये क्लिनिकल फीचर है या क्लासिकल फीचर हम कह लें। और उसके बाद ये सारी चीजें हुई जो यूरिन एक्सक्रीट करने में प्रॉब्लम होगी, और उसके बाद फिर क्या बताया जा रहा है, प्रोफाउंड ओलिगोहाइड्रोमियोस कैन कॉज पॉटर सीक्वेंस। तो ओलिगोहाइड्रोमियोस की वजह से पॉटर सीक्वेंस होगा, जिसके बारे में हम अलग से बात कर ही चुके हैं कि पॉटर सीक्वेंस के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जैसे पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया, ट्विस्टेड स्किन, ट्विस्टेड फेस, एक्सट्रीमिटीज डिफेक्ट और रीनल फेलियर। और उसके बाद अब ये हमारा कंप्लीट हुआ, हमने ये देख लिया। अब यहाँ पे हम एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज देख ले रहे हैं जो हमारे काम आएगा। तो देखिए एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है ये बनता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर से लेके आगे तक बनता है, लेकिन ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर से लेके देखिए जब 34th वीक ऑफ द प्रेगनेंसी होती है इसमें ये मैक्सिमम होता है और 1000 ml यानी 1 लीटर हो जाता है। 34 वीक के बाद ये कम होने लगता है, और एट टर्म यानी 40th वीक में ये 800 ml खाली बचता है, और फिर टर्म के बाद यानी 40th वीक के बाद ये अचानक बहुत तेज कम होता है। तो देखिए 42 वीक यानी पोस्ट टर्म में ये ओनली 200 ml रह जाता है, तो यानी ओलिगोहाइड्रोमियोस हो जाता है। और फिर एमनियोटिक फ्लूइड में क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो देखिए 99% इसमें वाटर प्रेजेंट होता है, इस वजह से इसमें न्यूट्रिशन प्रेजेंट नहीं होगा, और 3 हार्मोन इसमें प्रेजेंट होते हैं, प्रोलैक्टिन, रेनिन, इंसुलिन। और यहाँ ऑस्मोलरिटी की बात करें तो 260 ऑस्मोल पर लीटर होता है, इस वजह से ये हाइपोटोनिक होता है मेटरनल और फीटल प्लाज्मा से, क्योंकि 297 mOs/L होता है, और ये आइसोटोनिक होता है फीटल यूरिन के, तो फीटल यूरिन से ही बनता है, इस वजह से आइसोटोनिक तो होगा ही, 260 mOs/L। और पीएच की बात करें तो देखिए पीएच 7 to 7.5 होता है, और इसको अगर हम वैसे बात करें तो 7.2 होता है, और वजाइनल पीएच 3.5 होता है। इससे क्या होता है कि जैसे कभी कभार क्या होता है कि एमनियोटिक फ्लूइड लीक होने लगता है, तो इस पीएच के जरिए हम पता लगा लेंगे कि ये वजाइनल सिक्रीशन है, मीन सर्विक्स से जो ग्लैंड सिक्रीट कर रही है वो आ रहा है वजाइनल सिक्रीशन, या ये एमनियोटिक फ्लूइड का लीकेज है। अगर पीएच ज्यादा है तो एमनियोटिक फ्लूइड का लीकेज है, और अगर एसिडिक है तो ये वजाइनल सिक्रीशन है। और इसके ऑर्डर की बात करें तो ये ऑर्डरलेस होता है, तो ऑर्डरलेस होना भी ये एक बहुत अच्छी फाइंडिंग है, इससे भी हम पता लगा सकते हैं कि यूरिन आ रहा है जो लीकेज हो रहा है या ये एमनियोटिक फ्लूइड है। ठीक है, तो यूरिन और एमनियोटिक फ्लूइड के बीच में हम ऑर्डर से पहचान कर सकते हैं, और पीएच के जरिए हम वेजाइनल सिक्रीशन और एमनियोटिक फ्लूइड में डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। और देखिए अगर फाउल स्मेलिंग हमको देखने को मिल रहा है, पहले तो ये ऑर्डरलेस होता है, और अगर फाउल स्मेलिंग देखने को मिल रहा है तो इसका मतलब ये होगा कि ये कोरियो एमनियोनाइटिस है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली।